हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेकफास्ट टू डिनर। आज मैं बना के दिखाऊंगी एवोकाडो चीज़ सैंडविच। ये जितना हेल्दी है खाने में उतना ही टेस्टी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एवोकाडो और इसको ऐसे बीच में से कट करके ट्विस्ट करना है तो ये ऐसे निकल जाएगा। ये बिल्कुल पका हुआ है, इसको ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए पूरा निकल चुका है, तो अभी मैं दूसरे पार्ट से भी निकाल लूंगी। पूरा निकल चुका है तो अभी मैं इसको एक बड़े से प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अभी इसको मैश कर लेना है फॉर्क की मदद से। ये देखिए ये मैश हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। पहले ऐड कर दूंगी नमक, थोड़ा सा गार्लिक चॉप किया हुआ, और अभी मैं डाल रही हूँ अनियन चॉप किया हुआ। डालूंगी थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और लास्ट में डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अभी मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्राउन ब्रेड। आपके पास अगर वाइट ब्रेड है तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं स्प्रेड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा टोमेटो सॉस, और उसके बाद जो मिक्सचर मैंने बना के रखा था उसको स्प्रेड कर दूंगी इवनली। आप चाहे तो एक मोटा सा लेयर भी डाल सकते हो। और अभी मैं ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा धनिया पत्ता। आप चाहो तो धनिया पत्ता को चॉप करके भी डाल सकते हो। अभी मैं इसमें डालूंगी चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल है आप डाल सकते हो। और एक दूसरा ब्रेड पीस ऊपर से रख के मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। और ये हमारा सैंडविच बन चुका है, तो अभी मैं इसको सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, तो अगर आपके पास बटर है तो आप कर सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल से भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो, और लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एक साइड को अच्छे से सेकने देंगे और तब तक ऊपर से थोड़ा सा देसी घी स्प्रेड कर दूंगी। पलट दूंगी इसको। मैंने इसको बहुत ही क्रिस्पी करके सेक लिया है। आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, मुझे ऐसा क्रिस्पी अच्छा लगता है। और अभी निकाल लूंगी इसको। ये देखिए चीज़ भी मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा सॉस और थोड़ा सा अनियन सैलेड के साथ मैंने इसको सर्व किया है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।